नमस्कार, रिफ्टी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्राथमिक शिक्षा शिविर का समापन हुआ। क्षेत्र के रामरास खंड का प्राथमिक शिक्षा शिविर वर्ग का डीपीएम स्कूल में समापन हुआ। बताते चले कि कस्बे के समीप स्थित डीपीएम पब्लिक स्कूल में 13 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक चलने वाले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्राथमिक शिक्षा शिविर में विद्यार्थियों को शिक्षा दी जा रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक अभिनव कुमार ने बताया कि चल रहे प्राथमिक शिक्षा शिविर में लगभग 200 विद्यार्थियों ने भाग लिया है, जिन्हें देश प्रेम भावना, संगठन विषय, शारीरिक शिक्षा, राष्ट्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण व योग शिक्षा आदि के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने बताया कि बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्राथमिक शिक्षा शिविर का समापन किया गया। इस अवसर पर डीपीएम स्कूल प्रबंधक जगदीश त्यागी, सर्व व्यवस्था प्रमुख ब्रह्मचारी सोमपाल वर्ग, कारवा अश्विनी, मुख्य शिक्षक संदीप, शारीरिक विभाग विजेंदर, जय प्रकाश का विशेष सहयोग रहा। आज के कार्यक्रम के बारे में आज ये कार्यक्रम का समापन हुआ है। संघ का प्रथम शिक्षा वर्ग लगा था, जो बहुत ही अनुशासन के साथ चला और आज उसका समापन हुआ है। हमारे संघ के पदाधिकारी, कार्यकर्तागण, इन सब का जो सहयोग रहा, उस सब के लिए समाज को एक हिंदुत्व की तरफ ले जाने के लिए, उसके बारे में बताने के लिए और अनुशासन से जीवन जीने की शैली बच्चों में क्रियान्वित करने के लिए जो कार्य किया गया है, उस सब के लिए मैं अपने संघ के सभी स्वयंसेवकों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। आज समापन है सर? आज समापन हो गया। कितने दिन रहा ये? 8 दिन रहा है पूरे। लगभग 250 छात्रों ने उसमें शिक्षा ग्रहण की है। यूएफटी लाइव के लिए प्रवीण उपाध्याय की रिपोर्ट।